अध्याय 70 श्रद्धाना विभागो। अर्जुने कह्यू, हे कृष्ण, जे लोको शास्त्रोना नियमोनु पालन नहीं करीने पोतानी कल्पना प्रमाणे पूजा करे छे, तेमनी स्थिति कई छे? तेओ सत्वगुणी छे, रजोगुणी छे के तमोगुणी छे? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरे कह्यू, देहधारे जीव द्वारा प्राप्त करायेला प्रकृतिना गुणों प्रमाणे तेनी श्रद्धा त्रण प्रकारनी होई शके छे, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। हवे आ विषे मारी पासेथी सांभळ। हे भरतपुत्र, प्रकृतिना विभिन्न गुणों हेठळ मनुष्यना अस्तित्व प्रमाणे ते एक विशेष प्रकारनी श्रद्धा विकसित करे छे। जीवे स्वयं अर्जित करेला गुणों अनुसार ज तेने अमुक विशेष श्रद्धा युक्त कहवामां आवे छे। सत्वगुणी मनुष्यो देवोने पूजे छे, रजोगुणी मनुष्यो असुरोनी पूजा करे छे, अने तमोगुणी लोको भूत प्रेतने पूजे छे। जे लोको दंभ तथा अहंकार ने ताबे थईने शास्त्र विरुद्ध कठोर तप तथा व्रत करे छे, जेओ काम वासना तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित थाय छे, जेओ मूर्ख छे, अने जेओ शरीरना भौतिक तत्वोने तथा शरीरमां रहेला परमात्माने कष्ट आपे छे, तेओ असुर कहेवाय छे। प्रत्येक मनुष्य जे आहार पसंद करे छे ते सुद्धा भौतिक प्रकृतिना त्रण गुणों अनुसार त्रण प्रकारनु होय छे। एज बाबत यज्ञ तप तथा दान माटे पण साची छे। हवे तेमनी वच्चे रहेला तफावत विषे सांभळ। जे अन्न सत्वगुणी मनुष्यने प्रिय छे ते आयुष्य वधारनार, जीवन शुद्ध करनार अने बळ, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति आपनारु होय छे। आव अन्न रसयुक्त, स्निग्ध, पोषण करनारु तथा हृदयने भावे एवं होय छे। अतिशय कड़वू, खाटू, खारू, गरम, तेखू, लोखू तथा बढ़तरा करनारु अन्न रजोगुणी मनुष्य ने प्रिय होय छे। आवा अन्न दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनारा होय छे। भोजन करवाना त्रण कलाक पहला रांधेलू, स्वादविहीन, बगड़ेलू तथा दुर्गंध मारतू, एंठू तथा अस्पृश्य वस्तुओं बनेलू भोजन एवा लोगों ने प्रिय होय छे के जेवो तमोगुणी छे। जे यज्ञ शास्त्रोक्त विधि प्रमाणे कर्तव्य समझीने फळनी आकांक्षा नहीं राखनारा लोगों द्वारा करवामां आवे छे ते सात्विक होय छे। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जे यज्ञ अमुक दुनियावी लाभ माटे के गर्व खातर करवामां आवे छे तेने तू रजोगुणी जा। जे यज्ञ शास्त्रोक्त निर्देशोनी उपेक्षा करीने प्रसाद वहेचा विना, वेद मंत्रोना उच्चारण वगर, पुरोहितोने दक्षिणा आप्या विना अने श्रद्धा वगर करवामां आवे छे ते तामसी यज्ञ गणाय छे। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जेवा वडीलोनी पूजा करवी अने पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसानो पालन करू ए शारीरिक तप कहवाय छे। सत्य, प्रिय लागे एवा, हितावह अने बीजाने उद्देक न पमाडनारा वचनो बोलवा तथा वैदिक ग्रंथोनो नित्य पाठ करता रहू ए वाणीनु तप छे। अने संतोष, सरलता, गांभीर्य, आत्मसंयम तथा जीवननी शुद्धि आ सर्व मनना तप छे। दुनियावी लाभ ने इच्छा न करनारा तथा केवल परमेश्वर मां परोवायेला मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा पूर्वक करेलू ए त्रण प्रकारनु तप सात्विक कहवाय छे। जे तप दंभ पूर्वक तथा सत्कार, सन्मान तेमज पूजा पांबा माटे करवामां आवे छे ते राजसी कहवाय छे। ते चंचल तथा अशाश्वत होय छे। मूर्खामीने वश थई आत्म उत्पीड़न माटे
अथवा बीजाओनो विनाश करवा के हानि पहुंचाड़ा माटे जे तप करवामां आवे छे ते तमोगुण वालो होय छे। जे दान कर्तव्य समझीने कोई बदलानी आशा विना योग्य स्थाने तथा समये अने सुपात्र व्यक्ति ने अपाय छे ते सात्विक दान गणाय छे। परंतु जे दान अमुक बदलानी अपेक्षा थी अथवा कर्मफळनी इच्छा थी अथवा नामरजी पूर्वक अपाय छे ते रजोगुणी दान कहवाय छे। अने जे दान गमे तेवी अपवित्र जग्याए अनुचित समये कोई कुपात्र माणस ने अथवा पूरतु ध्यान तथा आदर आप्या विना अपाय छे ते तामसी कहवाय छे। सर्जननी शुरुआत थी ओम तत्सत आ त्रणे शब्दों परम सत्यनो निर्देश करवा माटे प्रयुक्त कराता रह्या छे। आ त्रण प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों नो उच्चारण करती वखते तथा ब्रह्म ने संतुष्ट करवा माटे यज्ञों करती वखते प्रयोजवामां आवती हती। माटे ब्रह्मनी प्राप्ति माटे योगीजनों शास्त्रोक्त विधि प्रमाणे यज्ञ दान तथा तपनी सर्व क्रियाओं शुभारंभ हमेशा ओम थी करे छे। मनुष्य कर्मफळनी इच्छा राख्या विना विविध प्रकारना यज्ञ तप तथा दान तत् शब्द कहीने करवा जोईए। आवा दिव्य कार्यों उद्देश्य भवबंधनमांथी मुक्ति पामवानो होय छे। परम सत्य ए भक्तिमय यज्ञनु लक्ष्य छे अने तेने सत शब्दथी सूचित करवामां आवे छे। हे पृथा पुत्र आवा यज्ञनो कर्ता पण सत कहेवाय छे। अने एज प्रमाणे यज्ञ तप तथा दानना बधा कर्मो पण सत कहेवाय छे के जे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरने प्रसन्न करवा माटे करवामां आवे छे। हे पार्थ परमेश्वरमां श्रद्धा वगर यज्ञ दान के तप रूपे जे कई करवामां आवे छे ते क्षणभंगुर होय छे ते असत कहेवाय छे। आ असत आ तेमज आगामी जन्म बन्नेमां व्यर्थ जाय छे।